हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल टीचिंग मैप पे। तो यहाँ पर नालको ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो भुवनेश्वर से एक वैकेंसी आया है, तो ये जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट 3 नवंबर को इशू हो गया था। तो इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं जो अच्छे ग्रेड 1 लेवल से लेकर ग्रेड 2 लेवल तक के वैकेंसीज हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड वैकेंसीज को इन्होंने इशू किया है। तो इस PDF में आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर हम पहले पोस्ट में देखें तो पहला पोस्ट आपका है डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है। तो इस डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में सिर्फ 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर हम SC को देखें तो 2 पोस्ट हैं, ST में 1 पोस्ट है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 2 पोस्ट हैं, EWS में 1 पोस्ट और जनरल कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं। अगर हम डिप्टी मैनेजर की बात करें, उसके क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, PG का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा किस में वो भी इसमें लिखा है, मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइंस, डेवलपमेंटल HRD या फिर HRM, इनकी होना चाहिए आपके पास, 2 या फिर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए 1 साल का। साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, हर पोस्ट में एक्सपीरियंस है। आप ध्यान रखिएगा, इस जॉब में आपके पास हर पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है। आप भले ही इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं पर आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर हम बात करें असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, तो आपके पास एनवायरनमेंट में डिप्लोमा या फिर एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, इसमें एक ही पोस्ट है वो भी जनरल का है। क्वालिफिकेशन में है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग से, साथ ही PG में डिप्लोमा होना चाहिए एनवायरमेंटल से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास डिग्री होना चाहिए वो भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस इसमें भी है। थर्ड पोस्ट की बात करें तो मैकेनिकल मेंटेनेंस सब्जेक्ट से है, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर इसमें भी है, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी से, इसमें डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। हम बात करें डिस्पैच असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स की, इसमें भी एक पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी से, तो डिग्री होना चाहिए आपके पास या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट से या फिर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए 1 साल का। हम साथ ही देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स के लिए है, इसमें एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी का, इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम इंजीनियरिंग या फिर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। तो हर पोस्ट में आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। अगर हम बात करें डिप्टी मैनेजर, तो ये फैक्ट्री से है, तो आपके पास सिरेमिक्स इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें भी आपके पास होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस से है, तो इसमें 4 पोस्ट हैं, वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है, इसमें OBC के कोई भी पोस्ट नहीं है, SC का एक है, ST का एक है, जनरल के जो पोस्ट हैं। डिग्री होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंट में या फिर कॉस्ट अकाउंट में डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट आपके पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट में होना चाहिए, PSU डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है सेफ्टी में, 3 पोस्ट हैं वो भी पूरे जनरल कैटेगरीज के हैं, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, वो भी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये उड़ीसा स्टेट का ही वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेफ्टी का है, जिसमें एक पोस्ट है वो भी जनरल की, इसमें डिग्री होना चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का, कोई फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसमें बहुत सारी वाइस पोस्ट हैं, आप देख सकते हो डिप्टी मैनेजर का है, जियोलॉजी में डिप्टी मैनेजर्स का है तो उसके इक्विवेलेंट ही आपके पास डिग्री होना चाहिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स का है जियोलॉजी से, इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी, इसमें बहुत सारी वाइस पोस्ट हैं, वो भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स 2 ही टाइप के पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स से हैं। इसमें एग्रीकल्चर का भी दिया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जिसका भी डिग्री होगा एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में स्पेशलाइजेशन भी होगा हॉर्टिकल्चर में हुआ, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट हैं जनरल के, 3 OBC का 1, और साल में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर हम पे स्केल देखें तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वैरी करता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स का पोस्ट और डिप्टी मैनेजर्स का पोस्ट इसके अकॉर्डिंग इसमें वैरी करता है। ये चीज़ें हैं आपके पास।
तो ये पीडीएफ जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे, कौन से वेबसाइट्स करोगे, तो उस वेबसाइट का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ओपन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही रहेगा आपका दोनों पोस्ट के लिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई भी कैटेगरी के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई भी कैंडिडेट हो। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और जो ओबीसी हैं वो 3 ईयर का है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो कैंडिडेट लिस्ट इंस्ट्रक्शन ये है, कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट जो है वो जिस समय पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस समय एम्प्लॉयड होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो आप इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सॉरी, इस पोस्ट का जो डेट है तो स्टार्टिंग डेट है 11 नवंबर और लास्ट डेट आपका 10 दिसंबर है। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, और 10 दिसंबर लास्ट डेट है, वो भी 5 बजे शाम तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।